क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है। 19 सितंबर से पहला टेस्ट मैच का मुकाबला खेला जाएगा और इस मैच के लिए प्रैक्टिस जोर शोरों से चल रही है। अब भारतीय टीम किस प्लान से खेलेगी, मैदान में क्या रणनीति होगी, इसका बड़ा खुलासा हो गया क्योंकि टीम इंडिया लाल प्लान से, जी हां, रेड प्लान से बांग्लादेशियों को चित करने की तैयारी कर रही है क्योंकि बांग्लादेश की जो ताकत है उसी ताकत को फेल किया जाएगा, उसी ताकत पर प्रहार किया जाएगा। और रोहित शर्मा ने पूरा मन बना लिया कि बांग्लादेशी मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन को नागिन डांस कराएंगे। तो बताते हैं भारत का पूरा प्लान, आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया पूरे जोर शोर से तैयारियां कर रही है। अब वैसे तो बांग्लादेश भारत के मुकाबले कमजोर टीम ही मानी जाती रही है और बांग्लादेशी टीम भारत को टेस्ट मैचों में कभी हरा नहीं पाई है, लेकिन बांग्लादेश ने पिछले दिनों जो पाकिस्तान को हराया है और उसके बाद बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती रोहित शर्मा करना नहीं चाहते और इसीलिए प्लान बदल दिया है, लाल प्लान लाया गया है। असल में पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी उसमें काली मिट्टी की पिचों पर मैचेस खेले गए थे और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ी थी। लिहाजा रोहित शर्मा ने, गौतम गंभीर ने चेन्नई में लाल मिट्टी की पिच बनाने का प्लान बनाया। जी हाँ, घरेलू टीम के पास ये राइट होता, अधिकार होता है कि वो अपने मुताबिक पिच बनवा सकते हैं। तो रोहित के इशारे पर चेन्नई में लाल मिट्टी की पिच बनाई जा रही है जिसमें मुकाबला खेला जाएगा ताकि बांग्लादेश की ताकत पर प्रहार करके बांग्लादेशियों को चित किया जा सके। अब पहले इन दोनों पिचों का आप अंतर समझिए, उसके बाद पूरा प्लान भी आपको समझ में आ जाएगा। काली मिट्टी की जो पिच होती है वो पहले दिन से, पहले घंटे से स्पिनर्स को मदद करती है। पिच पर बैटिंग करना भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि बाउंस नहीं होता और स्पिनर्स का बोल बाला होता है, लो बाउंस विकेट पर खेलना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अच्छे स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज इस पिच पर भी अच्छे रन बना सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ लाल मिट्टी की पिच में काफी ज्यादा उछाल होता है। लाल मिट्टी की पिच पर पहले दो दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, स्विंग मिलती है, बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद क्रैक्स आने के बाद स्पिनर्स को मदद मिलती है और इस पिच पर बल्लेबाजी ठीक ठाक हो सकती है। जो पेस अटैक को खेल सकता है वो बल्लेबाज अच्छा करते हैं और आखिर के दो से तीन दिन स्पिनर्स भी अच्छा करते हैं। अब यही लाल मिट्टी वाली पिच रोहित शर्मा बनवा रहे हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी उछाल वाली पिचों की तैयारी हो सके। दूसरी तरफ बांग्लादेशियों के पास जो स्पिन की ताकत है उस ताकत को ही खत्म किया जा सके। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के पास स्पिनर्स को अच्छे खेलने वाले बल्लेबाज हैं, चाहे वो मुशफिकुर रहीम हो, लिटन दास हो, शाकिब अल हसन या फिर मेहंदी हसन मिराज, ये सारे बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और काफी अच्छा खेलते हैं। लेकिन हाँ, तेज गेंदबाजों को खेलने में न सिर्फ इन बल्लेबाजों को बल्कि बांग्लादेश के बाकी बल्लेबाजों को भी खासी मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, स्पिनर से लोग खेल लेते हैं, इसीलिए बांग्लादेशियों के पूरे प्लान को फेल किया जा रहा है। लाल मिट्टी की पिच बनाई जा रही है ताकि बांग्लादेशी ना तो अच्छे से बल्लेबाजी कर पाए और बॉलिंग आए तो उनके स्पिनर्स भी फेल हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन में भारत के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर हैं जो कि पहले दो दिन में कमाल कर सकते हैं, धमाल कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं, बांग्लादेशियों को ढेर कर सकते हैं। तो वहीं अश्विन और जडेजा जैसे स्पिनर्स भी हैं जो कि हर कंडीशन में विकेट निकालने में माहिर हैं। तो तय है कि रोहित शर्मा और उनकी टीम बांग्लादेशियों को इस बार असली वाला नागिन डांस कराएंगे क्योंकि वैसे भी बदला लेना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बांग्लादेशी टीम को यहाँ पर कुचलना बेहद जरूरी है। तो आपका इस लाल मिट्टी वाले प्लान पर क्या कहना है, बांग्लादेश को कुचलने के लिए क्या ये प्लान ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का लंबे समय से इंतजार हो रहा है क्योंकि लंबे समय यानी कि 45 दिन तक भारतीय टीम का कोई मैच नहीं था, जो कि लंबे वक्त बाद ऐसा हो रहा है। और अब बारी आई है फाइनली टेस्ट मैच की। चेन्नई में होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया पहुंच गई है। टेस्ट मैच से पहले 4 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया। अब इस कैंप में सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जो नजर आया उसने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा कम से कम टेस्ट मैचों में तो गौतम गंभीर की सलाह को, बात को नहीं मानने वाले हैं। जी हां, ऐसा ही जो है। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि गौतम गंभीर तेज गेंदबाजों को ज्यादा परखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तैयार करने के लिए उन्हें ज्यादा मौका देने की बात कह रहे थे और एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन तेज गेंदबाज खिलाने की बात कह रहे थे और वो भी स्पिन फ्रेंडली विकेट पर। मगर रोहित शर्मा ने इस प्रयोग को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है क्योंकि चेन्नई की पिच स्पिनर्स को ही मदद करती है और उल्टा रोहित शर्मा तो चेन्नई के मुकाबले में सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज यानी कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह को खिला सकते हैं और 4 स्पिन गेंदबाज यहां पर
पर खिला सकते हैं। यानी कि गंभीर के प्रयोग को रोहित ने यहाँ पर खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि उनके लिए प्रेजेंट मैच इम्पोर्टेंट है, भविष्य में क्या होगा इसको देखकर अभी फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। अब टीम क्या होगी वो भी साफ हो गई, क्योंकि मेन नेट्स पर वही खिलाड़ी नजर आए जो कि पहले मैच में यहाँ पर खेलने वाले हैं। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की, लिया यही दोनों ओपन करेंगे तय, और पहले से भी यही लगभग तय था, इसमें कोई शक या शिकवा बिल्कुल नहीं था। इसके बाद शुभमन गिल आएंगे, उसके बाद विराट कोहली नंबर 4 पर आएंगे, नंबर 5 पर केएल राहुल की वापसी होगी। इन तीनों ने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, यानी कि ये भी साफ हो गया कि मिडिल ऑर्डर में कौन खिलाड़ी खेलेगा, कौन बल्लेबाज किस नंबर पर आएगा, ये भी यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विकेट कीपर की। तो ऋषभ पंत ने यहाँ पर ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि ऋषभ पंत सिर्फ विकेट कीपिंग ही प्रैक्टिस करते नजर आए, जबकि ध्रुव जुरेल ने यहाँ पर बैटिंग की प्रैक्टिस की। यानी कि ध्रुव जुरेल को बतौर बल्लेबाज तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या फिर किसी भी तरह से जरूरत पड़ती है तो ध्रुव जुरेल को बैटिंग कराई जाए। और हाँ, विकेट कीपर की भूमिका में ऋषभ पंत ही होंगे, ये कंफर्म हो गया। पंत यहाँ पर वापसी करेंगे करीब 2 साल बाद टेस्ट टीम में। स्पिनर्स की बात करते हैं तो रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तीनों ऑलराउंडर्स का खेलना पक्का है, कंफर्म है। तीनों स्पिन फ्रेंडली विकेट पर कमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात नहीं होगी अगर चौथे स्पिनर कुलदीप यादव भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आए। यानी कि अगर कुलदीप खेलते हैं तो फिर उस कंडीशन में सिर्फ जसप्रीत बुमराह अकेले तेज गेंदबाज होंगे और बुमराह के साथ 4 स्पिनर होंगे, और बुमराह के साथ पेस अटैक की शुरुआत बतौर तेज गेंदबाज विराट कोहली भी कर सकते हैं, जो कि मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कुलदीप नहीं खेलते हैं तो फिर मोहम्मद सिराज या फिर यश दयाल, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उनको मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यही टीम यहाँ पर रहने वाली है, यही टीम खेलने वाली है, जो कि पहले प्रैक्टिस सेशन में ही कंफर्म हो गया। और साफ साफ रोहित शर्मा ने अपनी टीम बनाई है, गौतम गंभीर के प्रयोग को खारिज कर दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो अब से ठीक 2 महीने बाद यानी कि 22 नवंबर से भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो रहा है, और ये करीब करीब 35 साल बाद है जब दोनों देशों के बीच में एक सीरीज में 5 टेस्ट मैच होंगे। अब कंगारू टीम मैच जीतने के लिए, सीरीज जीतने के लिए बेहद ज्यादा ही बेचैन दिख रही है, डेस्परेट दिख रही है, और इसीलिए तो मकड़ जाल बनाना, प्लान करना शुरू कर दिया, और जिसके लिए एक बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की बलि देना भी तय माना जा रहा है। असल में ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने स्टीव स्मिथ के भविष्य को लेकर बातचीत की, क्योंकि वार्नर के होने के बाद स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में बतौर ओपनर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर वो सफल नहीं हो रहे हैं। 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में स्मिथ ने सिर्फ 171 रन बनाए हैं और उनकी जगह शक के घेरे में आने लगी है। अब ऐसे में एंड्रयू मैकडोनाल्ड का कहना है कि हम ऐसे हालात में जीत नहीं सकते, लिहाजा हमें स्टीव स्मिथ को नीचे यानी कि मिडिल ऑर्डर में लाना होगा। अब इसके लिए हमारे पास शानदार ओपनर है और वो है ट्रेविस हेड। जी हाँ, वही ट्रेविस हेड जो कि हर बार और बार बार भारत और जीत के रास्ते में खड़ा हो जाता है, वही ट्रेविस हेड अब कंगारू टीम का सबसे बड़ा प्लान है। ट्रेविस हेड को लेकर ही ऑस्ट्रेलिया टीम मकड़ जाल बुन रही है। कंगारू टीम प्लान कर रही है कि ट्रेविस हेड से भारत के खिलाफ ओपनिंग कराई जाए और टेस्ट मैचों में भी T20 वाली बैटिंग हो, ताकि पहले ओवर से भारतीय टीम शुरू में ही घुटने टेक दे, और इसके लिए स्टीव स्मिथ को भी रास्ते से हटाना पड़ा तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें टॉप ऑर्डर से हटाया जाता है तो मिडिल ऑर्डर में उनके लिए जगह नहीं है, यह उनके कोच का ही कहना है। एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने खुद कहा है कि हम स्मिथ को मिडिल ऑर्डर में लाते हैं तो ये भी देखना होगा कि वहां 4th नंबर पर कैमरन ग्रीन काफी अच्छा खेल रहे हैं और उसके बाद मिशेल मार्श और एलेक्स केरी भी हैं, लिहाजा स्टीव स्मिथ के लिए नीचे जगह बनाना बेहद मुश्किल है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो स्टीव स्मिथ को ओपनिंग से हटाया जाएगा, मिडिल ऑर्डर में उनको जगह नहीं मिलेगी, यानी कि टीम से बाहर कर दिया जाएगा, और मकड़ जाल इसके लिए बुना जा रहा है। ट्रेविस हेड को ओपनिंग कराई जाएगी ताकि वो सहवाग की तरह बल्लेबाजी करें और टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करें, रोहित शर्मा को फंसाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।